भोजपुरी फिल्मों की मशहूर अदाकारा मधु शर्मा का जन्म 13 दिसंबर 1984 को जयपुर में हुआ था। मधु शर्मा को बचपन से ही एक्टर बनने का शौक था। उनका झुकाव बचपन से ही कलाकार बनने का था। मधु शर्मा पढ़ाई करने के साथ साथ एक्टिंग के क्षेत्र में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया करती थी। उन्होंने शुरुआत में कई एल्बम बनाए और उसमें उनको सफलता मिलने लगी। इसके बाद मधु ने साउथ फिल्मों के लिए कोशिश करने लगी। एक बार उन्होंने साउथ फिल्म के लिए ऑडिशन दिया। इसके बाद उनको एक फिल्म में काम करने का मौका मिला जिसका नाम था स्लोगन। इसके बाद मधु ने कई फिल्मों में काम करती रहीं और उनकी फिल्में आती रहीं और उनको कई सफलता मिलती रहीं। जिस तरह से मधु ने जो सपना देखा था वो पूरा होने लगा था। मधु ने भोजपुरी फिल्मों में भी ट्राई किया और उनको एक भोजपुरी फिल्म में काम करने का मौका मिला। उस फिल्म का नाम था एक दूजे के लिए। उस फिल्म में अभिनेता दिनेश लाल निरहुआ और सुपरस्टार पवन सिंह थे। इस फिल्म में भोजपुरी बॉक्स ऑफिस में धमाल मचाने के साथ साथ मधु शर्मा को भी सफलता की बुलंदियों पर पहुंचा दिया था। आपको बता दें, इसके बाद निरहुआ के साथ एक और फिल्म आई जिसका नाम था दूल्हे राजा। जब यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर आई तो धमाल मच गया और बॉक्स ऑफिस की ऊंची बुलंदियों को छुआ। मधु को भोजपुरी फिल्मों के दर्शक भोजपुरी फिल्मों की सुपर अभिनेत्री मान चुके थे। फिर क्या था, मधु ने रवि किशन जैसे सुपरस्टार के साथ फिल्मों में काम किया और फिल्मों को सफल बनाया। नेक्स्ट नाइन न्यूज के लिए अनुज मिश्रा की रिपोर्ट।